हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खाबा की रेसिपी, जिसे आप लोग जो है सफेद कद्दू के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग के यहाँ खाबा भी कहा जाता है, इसको पेठा के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं मसूर की दाल। तो मसूर की दाल हमारी बहुत एकदम साफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पानी डाल करके अच्छे से वाश कर लेंगे, जिससे दाल में जो भी डस्ट लगे हैं वो साफ हो जाए। आप इसकी जगह पर उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल यूज कर सकते हैं। सभी से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, पर मुझे क्या है ना, मसूर दाल वाली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं मसूर की दाल में इसको बनाऊंगी। तो यहाँ हम इसको अच्छे से वाश कर लिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल करके इसको भिगो करके रख देंगे 4 घंटे के लिए, जिससे कि फूल जाए। तब तक हम क्या करेंगे, खाबा को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिए 1/2 खाबा। अब इसका हम जो है छिलका निकाल देंगे और बीच में जो बीज है उसे भी निकाल देंगे, क्योंकि अगर बीज में बीज रहेंगे ना, तो जब हम इसको बनाएंगे तो खाने में जब बीज पड़ेंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से इसके बीज और हम छिलकों को निकाल करके इसको साफ कर लेंगे। ये रेसिपी ऐसी है कि इसे आप एक बार बना करके रख लेंगे ना, तो पूरे सालों साल आराम से इसको खा सकते हैं। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने सब खाबा को छील करके उसका बीज निकाल दिया और धुल भी लिए हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसको हम ग्रेट करेंगे। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है, बराबर साइज के नहीं रहते हैं। और जब हम ग्रेट कर लेते हैं थोड़े से बारीक भी हो जाते हैं और एक साइज में रहते हैं, तो बनाने में ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन ग्रेट करते समय हम इसे ध्यान रखें, इसको जो है थोड़ा मोटा ही ग्रेट करें, एकदम बारीक वाले से ना करें, उससे इसका टेस्ट अच्छा आता नहीं है। तो हमें इसी तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। और इसको बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, जब खूब अच्छी धूप हो, तेज़ धूप हो, तभी इसको बनाएं। वरना क्या होता है, जब तेज़ धूप नहीं रहती है इसको हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, इसमें फफूंद लग जाते हैं। इसे ग्रेट करते समय बहुत सावधानी से करना है, जो उन्हें क्या होगा, हाथ भी कटने का डर रहता है, थोड़ा ये हार्ड होता है, इसलिए ग्रेट करने में इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे लौकी वगैरह है, गाजर है, ग्रेट करते हैं तो वो बहुत आसानी से ग्रेट हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, पर ये थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने खाबा को जो है ग्रेट कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसमें पानी बहुत होता है, जब हम इसको बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाउल लिए, इसमें रख देंगे काटन का कपड़ा और इसी में हम सब ग्रेट किए हुए खाबा को डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो एकदम निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा तो हम इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा गीला नहीं रहेगा और बहुत जल्दी ये सूख भी जाएगा। वरना ये गीला रहेगा तो अच्छे शेप में बन भी नहीं पाएगा और सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें से बहुत सारा पानी निकल रहा है। अगर हम इस पानी को नहीं निकालते, डायरेक्ट ऐसे बनाते, तो इसको हम 10 दिन में भी नहीं सुखा सकते थे। और इस समय ठंडियों का मौसम चल रहा है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो इस वजह से इस तरह से जब हम पानी निकाल देंगे उसके बाद बनाएंगे तो 1-2 दिन में बहुत अच्छे से ये बढ़िया जो है सूख जाएंगी। तो हम इसका सारा पानी निचोड़ दिए हैं, आप देख ही सकते हैं कि कितना पानी निकला है। इस पानी को आप जूस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उससे क्या होता है ना, जो ब्लड है वो एकदम साफ हो जाता है, गैस की समस्या दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पानी निचोड़ करके रख लिया है, आप देख रहे हैं इसके एक एक लच्छे बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे और देखते हैं हमारा दाल जो है फूल गया है या नहीं, क्योंकि हम 4 घंटे पहले उसको भिगो करके रखे थे। तो ये देखिए दाल भी हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है, और जब हम इसको इस तरह से प्रेस करते हैं तो टूट भी जाता है। तो इसका जो पानी है हम उसको ड्रेन कर देंगे, फिर उसके बाद इसको हम मिक्सर जार में डाल करके बारीक सा पीस लेंगे। आप दाल की जगह पे आप बेसन से भी रेसिपी बना सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको दाल भी भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मैं जो है दाल का ही बना रही हूँ, क्योंकि दाल में जब बनाते हैं तो थोड़ा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मेरे यहाँ सभी को दाल वाला ज़्यादा पसंद है। तो हमने यहाँ पे दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम खाबा के लच्छे को डाल देंगे,
और साथ में इसको थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और इसमें डालेंगे ढेर सारा हींग और जीरा। हींग डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है और नमक हमने इसमें हल्का सा डाला है क्योंकि जब हम सब्जी इसकी बनाएंगे तो उसमें नमक डालेंगे ही, लेकिन नमक थोड़ा सा इसलिए डाल दिए हैं जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। फिर इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत सारे लोग जो हैं बिना मसाले के भी बनाते हैं, लेकिन मैं मसाले के बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है मेरी मम्मी, मेरी दादी वगैरह जो बनाती थी वो सब मसाले डाल करके ही बनाती थी, तो इसलिए मैं भी मसाले डाल करके ही बना रही हूँ। जब इसमें भी मसाले रहते हैं और जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले रहते हैं, तो इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसमें छोटा छोटा पोर्शन ले करके इसको इस तरह से हम इसकी बढ़िया बनाएंगे। तो हम आ गए हैं छत पे और यहाँ पर हम एक पॉलीथीन शीट जो है छत पे डाल दिए हैं, हम इसी के ऊपर इसकी बढ़िया बनाएंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन शीट नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोई कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक साइज की ऐसे छोटा छोटा पोर्शन लेकर के इसकी बढ़िया बना लेंगे। और अभी देख ही रहे हैं कि हमारे छत पे धूप अच्छी है तो इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस दो दिन में अच्छे से सूख करके तैयार हो जाएंगे। ये बढ़िया बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब आप एक बार इस बड़ी को बना करके रख लेंगे ना तो पूरे साल आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। और घर में बनाने पर इसको आप 30 से 40 रुपए में बहुत अच्छे से एक डेढ़ किलो तक बढ़िया बना करके रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 200-250 से कम में ये बढ़िया मिलेंगी ही नहीं। और जब भी घर में कोई सब्जी ना रहे तो आप इसकी सब्जी बना करके बहुत आराम से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी खाने में। जैसे आप कोफ्ते बनाते हैं ना तो सेम कोफ्ते का टेस्ट इस सब्जी में आता है। हमारे यहाँ बच्चों को तो ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन घर में और सभी लोगों को ये बड़ियों की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम इस तरह से ऐसे ही धूप में पॉलीथीन सीट पर इसकी छोटी छोटी बढ़िया बना करके डाल देंगे। एक बात आपको और बताएं, मेरी मम्मी तो कभी बढ़िया बनाती ही नहीं है, क्योंकि पहले वो जब बनाती थी ना तो जब भी वो बनाती थी, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम, तो हमेशा बारिश होने लगती थी, तो इसीलिए वो बढ़िया बनाना बंद ही कर दी। उनको जब भी बनवाना होता है बढ़िया तो किसी दूसरे से ही बनवाती हैं। और हम लोग हंसते भी थे कि चलो कम से कम बारिश नहीं होती है तो बढ़िया बनाने के समय बारिश हो जाती है। पर मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ बनाने की, मैंने 2-4 बार बढ़िया बनाई है, लेकिन बहुत पहले, बहुत दिनों के बाद में बढ़िया बना रही हूँ। देखते हैं हमारी बढ़िया बन करके कैसी लगती हैं खाने में और सूखने के बाद कैसे तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हम देखिए सारी बढ़िया बना दिए हैं और अब इन बढ़ियों को हम ऐसे ही छत पर डाल देंगे धूप में सूखने के लिए। तो धूप लगने की वजह से इसका कलर आप देख ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो ये दूसरे दिन देखिए हमारी बढ़िया एकदम सूख करके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बढ़िया बनी है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक प्लास्टिक डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में रख करके आप पूरे साल तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डिब्बा रखा हुआ था तो मैं इसी में इसको स्टोर कर लूँगी। तो मैंने सारी बढ़ियों को इसी डिब्बे में रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे और ये रख देंगे तो ये सालों साल बढ़िया जो हमारी ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आप भी इस तरह से बढ़िया बना करके एक बार ट्राई करो, जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और जब भी आपके पास सब्जी नहीं होगी तो आप इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।